प्यारी प्यारी बेटी सपना, ये देखो तेरे लिए कितने खिलौने लाया हूँ। बंदर है, जंगली है, बंदर नाच दिखाएगा, जंगली ढोल बजाएगा, बंदर नाच दिखाएगा, जंगली ढोल बजाएगा, जंगली ढोल बजाएगा। बेटे तेरे लिए देख कितने खिलौने लाया हूँ, और बोल कितने लाऊं। बोलना बेटे से इसलिए शादी कर ली कि उसके पास दौलत थी, वो मालदार था। ये झूठ है, मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया और न करूंगी। इस दुखिया के हाय कभी खाली नहीं जाएगी, मुझे बर्बाद करके तुम भी खुश नहीं रह सकते। बारो 18 साल से जिस आग में मैं जल रहा हूं, आज उसी आग में तुम्हारी बेटी सपना भी जल रही है, समझी? मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं मां का बदला बेटी से ले रहा हूं। तुमने मेरे अरमानों का खून किया है, मैंने तुम्हारी बेटी के महबूब का खून किया है, ताकि जिंदगी भर तड़पती रहे। तुम जालिम हो, जालिम हो, जालिम। मेरा प्यार तुम्हें जीने नहीं देगा और मां की ममता तुम्हें मरने नहीं देगी। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सुन रही हो अपनी बेटी की आवाज? वो तड़प रही है, अपने मरे हुए महबूब को बुला रही है। ये क्या चक्कर है भाई? यानी कि सोचो, ना सोना ना सोने देना, हर रात को ख्वाब देखना, हर सुबह उनकी तस्वीरें बनाना, तुम्हें तो मेनिया हो गया, मेनिया। यानी कि सोचो, मैं तो इसलिए कहता हूँ किसी डॉक्टर से मशवरा लो, नहीं तो शादी करवा डालो, ये ख्वाब देखने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। यानी कि सोचो। ख्वाब? ये ख्वाब नहीं है मेरे दोस्त, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरी भटकती हुई रूह है जो मुझे बुला रही है। बहुत खूब, यानी कि आप तो जिंदा हैं और आपकी रूह भटक रही है। यानी कि सोचो, तुम भी कैसी बातों में यकीन करते हो? यकीन? यकीन कैसे ना करूं। मेरे कानों में गूंजता इस लड़की का दर्दनाक नगमा, ये ख्वाब हो सकता है। ये भी ख्वाब हो सकता है, लेकिन ये
ये स्टेशन अफ्रीका में नहीं, हिंदुस्तान में है। यानी कि सोचो। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि इस जगह मेरी जात से वाबस्ता कोई राज छुपा है और मुझे वहां जाना ही चाहिए। मगर कहां कहां जाओगे? तुम्हारी सवेली वाली हसीना का क्या होगा? इस तक कैसे पहुंचोगे? ये सब मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। तय कर लिया तो फिर झगड़ा काहे का, टिकट कटाओ। मगर एक नहीं, यानी कि सोचो। बाप रे, डरो मत, बेचारी पागल है। कमाल है, वही प्लेटफॉर्म, वही गाड़ी और ठीक उसी जगह स्टेशन का नाम। मैं यहां पहले कभी नहीं आया, तो ये तस्वीर कैसे बन गई? यही तो है मेरे ख्वाब की तस्वीर। लोग ख्वाब देखते हैं ताजमहल का, शालीमार बाग का, और एक तुम हो जो अपनी जिंदगी तो वीरान है ही, ख्वाब भी देखा तो वीरान नगर का। यानी कि सोचो। देखो रॉकी, मुझे परेशान ना करो, तुम बाहर जाके सवारी का इंतजाम करो, मैं स्टेशन मास्टर से यहाँ रहने की कोई जगह देख कर आता हूँ। ट्रेन, ट्रेन किधर गई? सुनिए। अरे कुमार बाबू, आप कब आए? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आपकी जान खतरे में है। वारे मेरे शेर, बस कहने की देर थी। हाँ फिकर मत कर, आज तेरे चने पके। हाँ खाली है जी हुजूर, टांगा भी खाली है और जेब भी खाली है। बहुत दिन बाद आज मेरे गुलफाम के भाग खुले हैं, नहीं तो इतने दिन से तो बस घास ही पर गुजर करता था, आज चने मिलेंगे। हाँ हुजूर, कहाँ चलना है? सारी कथा कर लिया आपने? जी हुजूर। यानी कि सोचो। यानी कि सोचो। हाँ मेरा के दोस्त आ रहा है, वो आएगा तो फिर यानी कि सोचो। यानी कि सोचो। हाँ यानी कि सोचो। यानी कि सोचो। यानी कि सोचो। अच्छा अच्छा आ गया। यानी कि सोचो आ गया। यहीं गाड़ दो। मैं आपको नहीं लेना चाहता। क्या हुआ? माफ कीजिए। यही तो सोचो। यही कि सोच लिया। चल चल। कमाल है, यानी कि सोचो, तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसे भागा जैसे भूत को देखकर भले आदमी भागते। आखिर ये सब क्यों? परमात्मा गवाह है, मैं इस जगह पहले कभी नहीं आया। अरे तुम परमात्मा को रो रहे हो, मेरी आत्मा जल रही है, अब जाएंगे कैसे? परमात्मा गवाह है। अरे दंगा हो रहा है। खाली है भाई? हाँ हाँ सरकार। अच्छा, लेकिन ये यानी कि सोचो, ये पहली दफा ससुराल आया है इसलिए मुंह दिखाते हुए शर्माता है और कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, लेकिन सरकार जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ सरकार, जाएंगे कहाँ? सरकार नाथ गेस्ट हाउस। चौकीदार, ओ चौकीदार,
चौकीदार, ओ चौकीदार, फाटक खोलो, साहब लोग आए हैं। साहब लोग? आज तो कोई साहब लोग क्या आने की खबर नहीं। अरे हम साहब लोग नहीं तो क्या चोर लोग हैं? अरे पहले फाटक तो खोलो, यात्री लोग हैं, कुछ दिन यहाँ ठहरेंगे। 10 रुपया रोज होंगे, तैयार हो तो फाटक खोलूं। हाँ हाँ दे देंगे, स्टाम्प लिखवाओगे क्या? 10 रुपया, 2 रुपए। हाँ 2 रुपए, 2 रुपए। साहब लोग हैं? नहीं साहब, आप लोग यहाँ नहीं ठहर सकते, यहाँ कोई कमरा वमरा खाली नहीं। लेकिन तुम तो कह रहे थे 10 रुपए रोज पे कमरा मिल सकता। वो मैंने आपकी शक्ल देखने से पहले कहा था। यहाँ शक्ल देखने से कमरा मिलता क्या? इनकी शक्ल अच्छी नहीं तो मुझे कमरा दे दो। मैं अपने राजा साहब का हुक्म नहीं चाल सकता, आप लोग जाइए। राजा साहब का हुक्म? क्या बात है, जो भी तुम्हारा ये साइन बोर्ड देखता बत्ती गुल कर देता है। क्यों भाई, यहाँ कोई होटल वोटल है? यहाँ कोई रहने की जगह? मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया, यानी कि सोचो। सुनिए, मैं पहले यहाँ कभी नहीं आया। ये लोग तुम्हें खामखा देखकर भाग रहे हैं? वो जो तुम अफ्रीका में 4 महीने शिकार खेलने गए थे, कहाँ गए थे? कुमार बाबू, तुम्हें यहाँ रहने के लिए कोई भी जगह नहीं देगा, सब सरकारनाथ से डरते हैं। राजा सरकारनाथ? तुम तो जानते ही हो कि मैं किसी से नहीं डरता। चलो सामान उठाओ, मेरे साथ चलो। मेरा तो ख्याल है इस गांव से ही चलो। आप? अरे मुझे भूल गए क्या? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दोस्त भी मिला तो पागल। क्या कहा? मेरा दोस्त बिल्कुल पागल है। सोच रहा था ये छाता रात को। ये भी कोई पूछने की बात है भला? न जाने कब धूप निकल आए। रात को यदि तो सोचो। चलो हवेली के हाँ, हवेली के। जब मैं गांव वालों से कहा करता था कि तुम एक दिन जरूर वापस आओगे तो वो मुझ पर हंसते थे, मुझे पागल कहते थे। लेकिन आज मैं उन्हें पागल कहूंगा, मैं उन पर हंसूंगा। यानी कि सोचो। अरे यार ये बुड्ढा तो हमें भी पागल कर देगा, किसी तरह से रात काटो और सुबह वापस चलते हैं, समझे? कहाँ जा रहे हो? अपनी किस्मत का फैसला कर ले। है? अरे यार चलो मैं भी चलता हूँ, वरना ये बुड्ढा मेरी किस्मत का फैसला कर देगा। जा रहे हो? जरूर जाओ, बड़े हजरत हो। मालूम कर लिया कि राजा साहब यहाँ नहीं है और मौका देख कर चले आए। क्यों नहीं? आप कहाँ चले हजरत? इनके साथ वहाँ आपकी नहीं कुमार बाबू की जरूरत है। आप यहाँ बैठिए, आप सोचिए, जरूर सोचिए। जहाँ हो कहाँ आवाज़ दे।
चुपचाप हो रात के अंधेरे में, जब तक सरकारनाथ नहीं आता मौज कर लो, लेकिन उसके आने से पहले लौट जाओ वरना जान खतरे में है। किसकी जान खतरे में? तुम आगे क्यों आए? अच्छा बाबा, अब हम सोने को जाएं? जाओ, देखें कब तक सोते हो। अफ्रीका जिंदा पहुंचना है या मुर्दा, यानी कि सोचो। के ख्वाबों की हसीना, बुरी नहीं जी? जी कुछ नहीं जी, मेरा मतलब था कि ये बताइए कि कल रात कुमार बाबू से आपकी मुलाकात हुई है ना? आप कौन होते हो ये सब पूछने वाले? वाह, ये सुनिए तो, आखिर तुम हो कौन? मुझे कुमार बाबू समझ लो ना, मेरा कद-बुत भी ऐसा ही है, रंग रूप भी ऐसा ही है, कपड़े भी उन्हीं के पहनता हूँ, वो मेरे जिगरी दोस्त है। अच्छे दोस्त हो, इतना भी नहीं जानते कि कुमार बाबू कहाँ गए? मेरे को क्यों बिगड़ते हो? शायद तुम्हें मिलने गए हो, ये नहीं कि सोचो।
कमाल है, उसने देखा तो था, ये देखते भी नहीं। सुनिए, मैंने कहा ये तो बताते जाइए कि आप हैं कौन। हिंदू। हिंदू तो मैं देख ही रहा हूँ, मगर आपका नाम क्या है? बड़े बुद्धू हो तुम, इतना भी नहीं समझते, हिंदू मेरा नाम है। ओ वेरी ब्यूटीफुल नेम, मेरा नाम रॉकी है। रॉकी? ये रॉकी क्या होता है? ये आपके गांव में होता है ना रखाराम, रखाराम को हम शहर में रॉकी बोलते हैं, मेरा नाम रॉकी है। तो रॉकी साहब अब रखे रहिए। कमाल, जो भी लड़की आती है हमको रख के चली जाती है, यानी कि सोचो। क्या देख रहे हैं? भूल गए वो दिन जब तुमने इन्हीं मजदूरों के सामने मेरी बेइज्जती की थी? आप शायद भूल कर रहे हैं। भूल मैं नहीं, भूल तुम कर रहे हो। मारी डालोगे इन्हें? मैं जानती हूँ इन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, मैं इन्हें ले जाती हूँ, मैं इन्हें ले जाती हूँ। कुमार बाबू, आपने वहां जाकर अच्छा नहीं किया, बहुत बुरे हैं ये लोग, इनसे दूर रहना ही अच्छा। लेकिन मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है? आपने ना बिगाड़ा हो, लेकिन ये लोग आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? गरीब लोग एहसान फरामोश नहीं होते कुमार बाबू। एहसान? मैंने तुम पर कौन सा एहसान किया है? वो दिन भूल गए कुमार बाबू,
जब आपने मुझे बर्बाद होने से बचाया था। बर्बाद? बर्बाद होने से बचाया था? और नहीं तो क्या, उस दिन आप ना होते तो सरकार नत मेरी इज्जत लूट लेता। आपने ऐन वक्त पर आकर मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। सरकार नाथ। अजीब बात है, ये आपको देखकर भागा क्यों? मुझसे डरता है। लेकिन क्यों? पहले तो आप पे जान देता था, लेकिन न जाने क्यों आपके चले जाने के बाद अक्सर बड़बड़ाया करता था। बेचारे कुमार बाबू मर गए। मर गए? अगला कहेगा। बोलिए कौन है? सारा गांव छान मारा, मगर कहीं होते तो मिलते। आप तो यहाँ छुपे बैठे हैं। पहचाना नहीं आपने? ये मेरी छोटे बहन इंदु है। आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा खुश सपना होगी, मिले थे उससे। आज मैंने उसकी वो पिटाई की, वो पिटाई की कि वो जिंदगी भर अपना सर मेरे सामने नहीं उठा सकता। किसकी पिटाई की? अरे किसकी? उसी अपने पुराने दुश्मन कुमार की। अब वो कभी वापस नहीं आ सकता। मालूम होता है कि आज तुम्हें हद से ज्यादा पी ली है। चलो आओ, सो जाओ। वाले, आप सोचते हो नशे हो? नहीं बेटा, तुम नशे में नहीं, मैं नशे में हूँ, मगर रात ज्यादा हो चुकी है। अच्छा, चलो रात भी बाद में। अब भी इसके सर पर कुमार का ही भूत सवार है। ने मेरे प्रार्थना सुन ली और तुम्हें वापस लौटा दिया। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं, कोई नहीं। कौन है आप और मुझसे क्या चाहती? ये तुम पूछ रहे हो कुमार? इतनी जल्दी अपने सपना को भूल गए? सपना? क्या मैं इतनी बदल गई हूँ कि तुम मुझे पहचानते भी नहीं? आज परसों की तपस्या के बाद मैंने तुम्हें पाया। कितनी खुश हूँ मैं तुम्हें देखकर, कितनी खुश। तुम बिल्कुल नहीं बदले, जरा भी नहीं। हाँ, किस्मत ने मुझे जरूर बदल डाला है, लेकिन अब तुम आ गए हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, बिल्कुल ठीक, पहले की तरह। पहले की तरह? ये क्या कह रही हैं आप? आप नहीं, तुम कहो कुमार। आप कहने के मंजिल तो हम परसों पहले तय कर चुके हैं। आओ
मेरे खरीबा, अब और न तरसा। मुझे माफ कर दो सपना, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मजबूर। आज कई बरस से बीते दिन मेरे लिए तुम्हारी नाम की तरह एक सपना बनकर रह गए। मुझे कुछ भी याद नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन क्या हुआ, तुम्हें बीते दिन याद नहीं और मुझे सिर्फ बीते दिन ही याद है। मेरी दुनिया में चले आओ या फिर मुझे अपनी दुनिया में ले चलो। अपनी दुनिया में? हाँ। प्यार करने वालों का जन्म जन्म का साथ होता है कुमार। हमारे बदन तो सही, लेकिन इनमें धड़कने वाले दिल एक हो चुके हैं। देखो ना, ये हमारा प्यार ही तो है जो तुम्हें यहाँ खींच लाया। शक नहीं सपना कि तुम्हारे प्यार की सदा मुझे यहां खींच लाई, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो।
जबकि मैं शहर में पहले कभी नहीं आया। कैसी बातें कर रहे हो कुमार, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? कुछ भी नहीं। याद करो इस फुलवारी को, यहाँ का हर पत्ता मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। क्या तुम्हें वो दिन याद नहीं? बचाओ 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 बचाओ। बचाओ 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 बचाओ। आप लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाती हैं? मैं ये क्या बदतमीजी है, तुम लड़की को अकेली पाकर इस तरह परेशान करते हो? आपको पता नहीं है बाबा इन्होंने मेरे साथ क्या शरारत की है। झूठ बोलते हो तुम। बाबा इन्होंने मुझे जंगल में अकेली देखकर मेरा हाथ पकड़ लिया था। समझ गया, अगर तुम्हें लड़की का हाथ ही पकड़ना था तो नदी किनारे जाकर पकड़ते। ऐसे जंगलों में तो लोग एक दूसरे का गला दबाते हैं। सुनो, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो हमेशा के लिए यह मुसीबत गले पड़ जाएगी। ये क्या बाबा, आप मुझे मुसीबत कहते हैं? हाँ सप्ता, इस उम्र में हर लड़की मुसीबत होती है। ए, बुरा मान गए? जी नहीं। ए बुढ़िया, काम नहीं होता तो यहाँ आती क्यों? ठाकुर सिंह, क्यों इस बुढ़िया पे जुल्म कर रहे हो? क्या हुआ अगर उसने दो मिनट आराम कर लिया तो? मजदूरों की निगरानी करना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। जाओ अपना काम करो। मेरे होते हुए ये जुल्म नहीं हो सकता। Thank you.
जरा सुनना उनसे नहीं कहना ए जी, जरा सुनना उनसे नहीं कहना, हम तो उनकी मस्त नजर से पीके आए जावे जी, जरा सुनना उनसे नहीं कहना। ने बुलवाया आपको? सुना है कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करना चाहते हैं। वैसे तो मुझे राजा महाराजाओं की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, और खास करके राजा साहब की लड़की। सुना है बदतमीज है, जाहिल है, गवार है, पागल है। ए मिस्टर, ज़बान संभालो। अच्छा, बहुत जल्द गुस्सा आ गया जब हमें जंगल में बेवकूफ बनाया जा रहा था। बचाओ बचाओ का क्या? सरकार ने बुलाया। नमस्ते राजा साहब। कुमार, तुम्हारी इतनी मजाल के तुमने ठाकुर सिंह पर हाथ उठाया? अपने फर्ज से मजबूर होकर। बोया जाहिल मजदूरों की हमायत करना। एक बूढ़ी औरत को जुल्म से बचाना जरूर मेरा फर्ज है। तुम्हारा फर्ज सिर्फ हमारी खदमत करना। जी, इससे कब इनकार है, लेकिन उम्र का तकाजा भी तो कोई चीज है। वो बूढ़ी औरत ठाकुर सिंह की माँ के बराबर है, और माँ को ठोकर मारना कहाँ का इंसाफ। इंसाफ करने वाले तुम कौन हो? याद रखो, इस इलाके में एक ही आवाज सुनी जाती है, और वो आवाज हमारी है। मजदूर ये बात अच्छी तरह जानते हैं राजा साहब, इसलिए तो जज्बात से महरूम रहकर फर्ज अदा करना अपनी किस्मत समझते हैं। तुम उनकी किस्मत बदलने की कोशिश ना करो,
वरना अपनी किस्मत का सितारा गलूब होते हुए देखो। मैं भी अपनी जगह एक मजदूर हूँ राजा साहब, मेरी किस्मत दूसरे मजदूरों से अलग नहीं। तो वादा रहे आइंदा ऐसी हरकत ना हो, तुम जा सकते हो। हम तो कांटों पे जलने वाले हैं, आपने क्यों ये फूल बरसाए? आप फूलों की बात करते हैं, दिल ये कहता है जान भी जाए। मेरे दिल में भी है जज्बात का तूफान, मगर मुझको मालूम नहीं इसकी हकीकत क्या है। आया परवाना गिरा शम्मा पे जल जल के मरा, आप अभी सोच रहे हैं कि मोहब्बत क्या है? मैं हूं कुटिया का दिया, आप हैं महलों की शमा, ऐसी उल्फत का बस अंजाम बुरा होता है। लाख दुश्मन हो मोहब्बत का जमाना, लेकिन दर्द जब हद से गुजरता है दवा होता है। प्यार के ख्वाब निगाहों में बसाने वाले ख्वाब जब टूटेंगे उस वक्त कयामत होगी। भूखे बेचैन ही जीने का मजा आता है, हम जुदा होंगे मगर साथ मोहब्बत होगी। हम भी मजबूर हैं वरना जाने को तो ये खराब
अपनी आंखों में पहले जरा डूब जाने की दे दो इजाजत हमें, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है, अगर मैं कहीं खो गया तो? मेरा प्यार तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम्हें अपने प्यार पर इतना भरोसा है? हाँ कुमार, मुझे अपनी मोहब्बत पे नाज है, बहुत नाज। सपना, जानती हो जी क्या चाहता है? जी चाहता है कि तुम्हें अपने दिल की गहराइयों में छुपा लूं, इतनी गहराइयों में जहां किसी की नजर भी ना पहुंच सके। तो छुपा लो ना। बहुत डर लगता है। किस बात का? सपना, मैं एक मामूली आदमी हूँ। तुम्हारे पिताजी हमारे प्यार को पसंद करेंगे? उनकी पसंद और नापसंद से क्या होता है? अरे पगली, पहले उनकी रजामंदी फिर हमारी शादी। पहले हमारी शादी होगी, बाद में उनकी रजामंदी। दुनिया बड़ी जालिम है सपना, ये वादे तुम्हें याद रहेंगे? भुलाने के लिए हजारों बातें हैं कुमार, याद रखने के लिए सिर्फ तुम्हारा एक प्यार ही तो है। अच्छा कुमार, कल इसी वक्त मैं यहीं मिलूंगी। अगर तुम ना आ सको तो मौत को भेज देना। ये क्या कह रहे हो दीवान जी? वही जो ठाकुर सिंह ने अपनी आंखों से देखा है। हुजूर, सारे गांव में इस बात का चर्चा है। कुमार की ये जुर्रत। सपना, क्या है पिताजी? कहाँ जा रही हो? क्यों ही सैर करने जा रही हूँ? आज से तुम इस महल के बाहर कदम नहीं रखोगी। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हमें तुम्हारे और कुमार के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। हम अपने दामन पर बदनामी का दाग नहीं करने देंगे, समझी? मोहब्बत गुनाह नहीं है पिताजी, मैं जरूर जाऊंगी। क्या बात है कुमार, तुम आज बहुत परेशान नजर आते हो। कुछ नहीं बाबा, सब कुछ समझता हूँ, सब कुछ समझता हूँ। और बेहतर है कि तुम भी समझ जाओ। वो तो बड़े बाप की बेटी है, उसका प्यार दो दिन का प्यार है, आज है कल नहीं। बाबा तुम्हारा तड़पना काम नहीं आएगा,
वो तो रेशमी बिस्तर पर आराम से सो रही होगी। तुम्हारा तड़पना काम नहीं आएगा, वो तो रेशमी बिस्तर पर आराम से सो रही होगी। वो तो बड़े बाप की बेटी है, उसका प्यार दो दिन का प्यार है, आज है कल नहीं। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दें तुमको कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। हमें दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, न अब मंजिल है कोई न कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको कहाँ हो, अकेले हैं। ये तन्हाई कालम और इस पल आप का गम, ये तन्हाई कालम और इस पल आप का गम, न जीते हैं न मरते बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको कहाँ हो, अकेले हैं।
सपना। मुझे ऐसे लगा जैसे अब तुम कभी नहीं आओगी। तुम बुला और मैं ना, ये कैसे हो सकता है? नहीं सपना, मुमकिन है ये दुश्मन जमाना मेरी आवाज तुम तक पहुंचने ना दे और हम हमेशा के लिए जुदा हो जाए। दो दिल एक बार मिलकर कभी जुदा नहीं हो सकते, इन्हें मौत भी जुदा नहीं कर सकती। हमारी इज्जत से खेलने वाले का अंजाम देखो, लगाओ कौन। पिताजी नहीं, और जोर से लगाओ। ले जाओ इसे, और से, और जोर से, जोर से, और जोर से। ठाकुर सिंह, इस कुत्ते को यहीं छोड़ दो। चलो कुमार साहब, ये क्या हो गया? गांव वालों, ये बात कान खोल कर सुन लो। आज से कुमार खदान पर काम नहीं करेगा। उसे शाम तक गांव छोड़ने का हुक्म दिया है। अगर किसी मजदूर ने कुमार से हमदर्दी की तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बस इतना याद रखो कि हमारे हुक्म को टालना अपनी मौत को दावत देना होगा। खून बहना तो बंद हो गया बैजी, लेकिन होश क्यों नहीं आ रहा? मैं हर दवा दे के देख चुका हूँ बंसी, मेरा ख्याल है इन्हें कोई सदमा पहुंचा है। मुझे तो डर लगता है अगर ऐसी ही बेहोशी रही तो शायद। नहीं नहीं भाईजी, ऐसा ना कहिए, मैं कुछ कोशिश करके देखता हूँ। दीदी कुछ पता चला कुमार का? बंसी मिला था, कह रहा था कुमार बाबू की हालत बहुत नाजुक है। अगर कुमार को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रेखा, किसी तरह मुझे कुमार तक पहुंचा दो। अगर राजा साहब को पता चल गया तो? तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब, अगर दो घंटे के अंदर होश ना आया तो इनका बचना मुश्किल है। चुप रहना, ये तो मेरी जिंदगी का सवाल है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं।
दीवान जी, ये हमारी इज्जत का सवाल है। सपना का इस तरह महल से गायब हो जाना हमें गांव वालों की नजरों में जलील कर देगा। सरकार, हमने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन सपना बेटी का कहीं पता नहीं। राजा साहब, ठाकुर सिंह क्या खबर लाए? हुजूर, सिर्फ इतना सुनने में आया है कि कुमार को नदिया पार वाले गांव में पहुंचा दिया गया है। तो फिर सपना बेटी भी वहीं होंगी। पिताजी, मैंने यही मालूम करने के लिए बच्चन सिंह को वहां भेजा है। बच्चन सिंह के लौटते हमें फौरन खबर दे, समझे? जी। क्या चाहिए? कुछ नहीं। कितनी रातों से जाग रही हूँ सपना। फिर वही बात, मैं अपने कुमार के लिए जाग रही हूँ, किसी गैर के लिए तो नहीं। कुमार बाबू, दूध पी लीजिए। आज हमें मालूम हुआ कि मोहब्बत क्या चीज है। हम समझते थे कि कुमार हमारी दौलत से प्यार करता है, लेकिन नहीं, वो तुमसे प्यार करता है। कुमार, हमें अपने किए पे बहुत अफसोस है। ये आप क्या कह रहे हैं राजा साहब? जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए ना। हम सपना की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं तुमसे। अच्छा, अब हम चलेंगे। सरकार, सपना बेटी भी तो साथ चलेगी। हाँ सपना, तुम चले जाओ, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आओ बेटी। मुंह मीठा कराइए कुमार बाबू। उस लफंगे से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, वो मुफलिस है, कंगाल। क्या ये फुलवारी तुमसे कुछ भी नहीं कहती? तो क्या हमारे प्यार की वो पहली मुलाकात है तुम्हें याद नहीं, जिसने पत्थरों में जन्म लिया और एक चट्टान की तरह अटल हो गई? नहीं। वो वादे भी याद नहीं जो कभी तुमने मुझसे किए थे? नहीं। और वो आखिरी मुलाकात जिसमें तुमने कहा था कि हमें मौत भी जुदा नहीं कर सकती? नहीं सपना, नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। यकीन करो, मैं इस शहर में पहले कभी नहीं आया, कभी नहीं। नहीं आए, कभी नहीं आए, तो फिर ये प्यार की निशानी किसकी है? ये लॉकेट तुम्हारे पास कहां से आया? ये तो मेरा है। शुक्र है, तुम्हें कुछ तो याद आया। ये लॉकेट तुम्ही ने मुझे दिया था और देते वक्त कहा था ये तुम्हें बहुत प्यारा है, क्योंकि इसमें तुम्हारी माँ की तस्वीर है। माँ? ये गांव के प्यार भी कितने तेज होते हैं बाबा, इन प्याजों के बगैर तरकारी नहीं बन सकती। बाबा, तुमसे एक बात पूछनी है, ये कुमार यहाँ पहले कब आया था? कब आया था? ये पूछो कि कब गया था? यही तो पूछ रहा हूँ, जो आया नहीं वो जाएगा कैसे? यानी कि सोचो। क्या सोचो? क्या सोचो तुम्हारा सर? जब देखो तब उल्टे सीधे सवाल किया करते हो। भेद की बात सबको नहीं बताई जाती है, यानी कि सोचो। बाबा, कुमार के भेद की बात तो नहीं हो सकती, मगर मेरे भेद की बात तो हो सकती है ना। आज मैं तुम्हें अपने एक दिल की बात बताता हूँ, मगर बीच में बोलना मत। जब से इस गांव में आया हूँ हर लड़की मेरे पे मरने लगी है, ना जाने ईश्वर ने मुझे शक्ल अच्छी क्यों दे दी कि मुसीबत ही पड़ गई। अभी उस रोज दो लड़कियां तो इस घर में घुस आई, ना जाने उनको मेरी खुशबू कहां से आ जाती है, और दोनों के दोनों बोलने लगी कि तुम्हारे बगैर तो जान दे दी। अब एक अनार सो बीमार, किस किस को जान दूंगा अपनी में। लड़कियां दोनों फर्स्ट क्लास है बाबा, मगर किसको अपनाऊं? आंखें छोटी की अच्छी है, गाल मोटी के अच्छे,
और मोटी की कमर जरा कमरा सी है, फिर भी चलेगी। बाबा अगर तुम्हें चुनना पड़े तो किसको चुनोगे? मेरे लिए? मुझे तो दोनों पसंद है। यही तो मुसीबत है, मुझे भी दोनों पसंद है। ये जो एक बीवी वाला कानून पास हो गया ना, इसने सत्यानाश कर दिया है। वो छोटी का नाम बड़ा अच्छा है, इंदु। मोटी का ना जाने क्या नाम था? बेला। बेला, कितना खूबसूरत नाम है, मैं तो उसी से प्यार करूं। मुसीबत तो मुझ पर आई है बेटा, तू तो खा ले। बंजी। कौन? कौन है? अरे बाप, मारना किसको था, मार किसको डाला? किसको मार डाला? बाबा मारना कौए को था और मार कर गोश डाला। अबे रॉकी, निशाना लगाना आता नहीं और बंदूक लेकर घूम रहे हो? अगर गोली मुझे लग जाती तो? घबराओ नहीं, इस बंदूक से सिर्फ छोटे जानवर मर सकते हैं। सांझ की बेला, प्यार की बेला, मिलन की बेला, अरे सबकी बेला और ये रॉकी अकेला, यानी कि सोचो। प्यारे कुमार, आज शाम को प्रेम खंडर में आकर मिलो, तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारी, लो ये और बीमारी। जो भी लड़की है कुमार के पीछे, हम अफ्रीका से यहां बाहर झोंकने आए। अगर मैं भी कुमार होता, यानी कि सोचो। कुमार बाबू। अरे तुम, मैं तो समझी थी कुमार बाबू। समझी ना, यही तो मैं सब लड़कियों को समझाना चाहता हूँ कि मेरे और कुमार बाबू में कुछ फर्क नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा? अरे होगा क्या, हो गया। पहली तो तुम लड़की हो जिसने बुला लिया, और एक और लड़की ने प्रेम खंडर में बुलाया है। प्रेम खंडर? बाप रे। बाप रे, क्या हुआ? अरे वो तो प्रेमियों के लिए बहुत खतरनाक जगह है। अच्छा, अरे प्यार किया तो डरना क्या, खतरनाक जगह। सरदार, वो प्रेम खंडर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, जो भी वहां जाएगा कभी वापस लौट के नहीं आएगा। ओ समझा, गाना गाऊंगा तो जलवा दिखाओगी है ना? प्यार किया तो मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों,
अरे प्यार किया कोई जंग नहीं की, प्यार किया प्यार किया कोई जंग नहीं की, छुरियों से फिर लड़ना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों, जब प्यार किया तो। आज कहेंगे अपना फसाना, फिल्म बना दे चाहे जमाना, अरे आज कहेंगे अपना फसाना, फिल्म बना दे चाहे जमाना, मौत मेरी क्यों दुनिया देखे क्यों, मौत मेरी क्यों दुनिया देखे, मौत से पहले मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों, प्यार किया तो मरना क्यों। आई एम अ लवर नॉट अ क्रिमिनल, आई एम अ लवर, आई एम अ लवर नॉट अ क्रिमिनल, यारो आई शुड मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों, जब प्यार किया तो। देखो यारो इश्क हमारा, अरे इश्क 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 है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क हाँ। देखो यारो इश्क हमारा, चारों तरफ का दिल का नजारा, अल्लाह ने नहीं मरना लिखा, बंदों से फिर मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों। रॉकी, रॉकी तुम बच गए। अजी प्यार किया तो मरना क्या, मेरा मतलब डरना क्या। तुमने मारा ना? किनको? ये जो सब भूत बने हुए थे। भूत बने हुए थे? यानी कि सोचो। रॉकी रॉकी तुम तो बहुत बहादुर हो, दारा सिंह से भी ज्यादा। मगर इस बहादुरी का फायदा क्या, दारा सिंह को तो सैकड़ों लड़कियां प्यार करती हैं, और दारा सिंह के भाई रॉकी सिंह को एक लड़की भी नहीं करती। क्यों नहीं, इतनी बहादुर आदमी से कौन लड़की प्यार नहीं करेगी। अभी तो मैंने आजकल बहादुरी बंद की हुई है, खोल दूं तो मेरे हाथ से कोई बच के नहीं जा सकता। यानी कि सोचो। सोच लिया। तो क्या हुआ, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। तुम्हारे कपड़े पहनकर निकला था कि शायद लड़कियां मिलेंगी, मगर लड़की से पहले लड़ाके मिल गए। लड़ाके? अरे वो छुरियों वाले, भालों वाले, तलवारों वाले, वो युद्ध हुआ कि महाभारत का युद्ध भी क्या होगा। कौन से बोलो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ हो, अफ्रीका में हो या यहाँ हो। अगर तुम पहले यहाँ कभी नहीं आए तो ये सब लोग तुम्हें मारने पर क्यों तुले हुए हैं। तुम मेरे दोस्तों पर भी मुझ पर एतबार नहीं कर सकते तो दुनिया वाले कहाँ से करेंगे। देखो अब तो ये हालत हो गई है कि सारी दुनिया भी तुम्हारा एतबार कर लेना तो मैं नहीं करने वाला। सुनो, वो जो अफ्रीका में तुम शिकार के लिए चार महीने गायब रहे थे उस वक्त यहाँ आए थे ना। एक मिनट, मैं भी तुम्हारा शक दूर कर लूं। ये लो डायरी, इसमें मैंने चार महीने के एक एक बात लिखी। बहुत खूब, ये 4 जून के बाद 4 अक्टूबर का था, ये बाकी सभी कहां गायब हो गए। कौन लेगा? जिसकी डायरी है, यानी कि सोचो। अजीब बात है, शायद मैं भी पागल होते जा रहा हूं। हर बात देखी सी लगती है लेकिन कुछ भी याद नहीं आता। ये
सोचता हूँ कि तुम्हें मैंने कहीं देखा है, याद करता हूँ मगर याद नहीं आता है। मेरे हम राज मुझे तुमने वही देखा है, दिल जहां होश में रह कर भी बहक जाता है। जाने क्या बात है, हम जब भी मिला करते हैं, दिल में चुपके से कोई चोट उभर आती है। दिल से दिल मिलते हैं, अफसाने बना करते हैं, और तकदीर मोहब्बत की संवर जाती अपने चेहरे पे मेरे ख्वाब परेशान की तरह आज इन रेशमी जुल्फों को मचल जाने दो। दिल में उठते हुए जज्बात के तूफान की तरह आज हर ख्वाब हकीकत में बदल जाने दो। हाय, वो जो एहसास था हल्का सा कि तुम गैर नहीं, आज वो एक यकीन बनता नजर आता है। खो दिया था जो कभी याद की सूरत में कहीं, आज वो प्यार मुझे मिलता नजर आता है। आज वो प्यार मुझे मिलता नजर आता है। चले जाओ यहां से, तुम इतने सारे आदमी मिलके एक आदमी को नहीं मार सके, निकल जाओ। बेटा, उस रोज तुम भी कह रहे थे और आज गांव वाले भी कह रहे हैं कि कुमार वापस आ गया है। बड़ी अजीब बात है। क्या अजीब बात है? मैं उसको खुद अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं। मेरा ख्याल है वो कोई और होगा। वो कोई और नहीं, कुमार है, और वो अब भी सपना से छुप छुप के मिलता है। मेरी समझ में नहीं आता कि कुमार कैसे वापस आ सकता है। हे भगवान, मेरी मोहब्बत का अमरूद टपकने ही वाला था कि तूने राजा साहब को टपका दिया। ये अच्छा नहीं किया। यानी कि सोचो, बेला। तू सच में जा रहे हो राखी? हाँ बेला, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे छोटे से दिल पर कितना बड़ा जुल्म करते हुए जा रहा हूं। तुम मेरे गम में रोओगी, तड़पोगी और आखिर पहाड़ पर से कूद कर कुएं में डूब मरोगी। डूब मरोगी ना, और तुम्हारे डूबते हुए आखिरी सांस के बुलबुले रॉकी रॉकी कहकर पुकार उठेंगे। मगर क्या करूं बेला, सच्चा इश्क हमेशा झाड़ पर शुरू होता है और कुएं में खत्म होता है। ऐसी गम की बातें ना करो रॉकी, मेरा भी वाकई डूबने को दिल चाहता है, मगर इस गांव में कोई अच्छा सा कुआं भी तो नहीं है डूबने के लिए। नहीं, यानी कि सोचो। यही सोच रहा हूं, एक अच्छा सा कुआं है, तुम्हें जाते हुए दिखाता जाऊंगा।
वो आ गए। ये सब क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? कल राजा साहब आने वाले हैं, हम आज जाने वाले हैं। राजा साहब, तो कौन सी मौत आ रही है? अरे सिर्फ मौत ही नहीं आने वाली, मलकुल मौत आने वाली है। हाँ कुमार बाबू, राजा साहब से आपकी जान को खतरा है, आपको तो जाना ही चाहिए। मैं किसी से डर कर चोरों की तरह भाग जाना बुजदिली समझता हूँ। अरे बुजदिली तो तब होती है जब दिल हो। राजा साहब के आने की खबर सुनकर अपना तो दिल ही गायब हो गया। अब तो तुम भी नहीं जाओगे ना? नहीं। तो फिर मुझे कुएं में डूबना भी नहीं पड़ेगा। यानी कि सोचो। अरे अब तो तुम्हारा पति हूँ। पंडित जी ने कहा है सुहागरात इस बार को मनाना बहुत दर्शकनीय है। वाह, सुहागरात सुहागरात को नहीं मनाई जाएगी तो फिर कौन सी रात को मनाई जाएगी? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कभी भी, मगर आज नहीं। अरे अरे, पति के अधिकार को तो भगवान भी मानते हैं, ये पंडित मंत्र क्या चीज है? देखा, पोपट भी कहता है आज ही। नहीं। पोपट हूँ मैं, अरे पोपट हूँ मैं प्यार का, आशिक हूँ सरकार का, छुट्टी है हर बात की और दिन भी है इतवार का। पोपट हूँ मैं प्यार का, आशिक हूँ सरकार का, छुट्टी है हर बात की और दिन भी है इतवार का। पोपट हूँ मैं प्यार का। आज गया तो कल सोम है, सोम बड़ा दुखकारी। हरिओम, सोम बड़ा दुखकारी। मंगल को हम मिल न सकेंगे, मंगल मुझ पे भारी है, मंगल मुझ पे भारी। प्यार की बातें, अरे प्यार की बातें आज ही कर ले, पता नहीं बुधवार का। पट हूँ मैं प्यार का, आशिक हूँ सरकार का, छुट्टी है हर बात की और दिन भी है इतवार का। पट हूँ मैं प्यार का। गुरु शुक्र के वादे छोड़ो, आज पे कर लो भरोसा, आज पे कर लो भरोसा। चलो किसी होटल में खा ले प्यार का इडली धोसा, प्यार का इडली धोसा। साढ़े साथी, साढ़े साथी शनि गया, अब डर क्या रिश्तेदार का। पोपट हूँ मैं प्यार का, आशिक हूँ सरकार का, छुट्टी है हर बात की और दिन भी है इतवार का। पोपट हूँ मैं प्यार का। यही प्यार पूजा का दिन है, नाम है जिसका संडे, नाम है जिसका संडे। अपने कीमती सात दिनों में गिव मी ओनली वन डे, प्लीज दे दो मुझको वन डे। अरे कसम खुदा की हफ्ते भर से प्यासा हूँ दीदार का, पोपट हूँ मैं प्यार का। अब मिलना विलना छोड़ो और चलने की तैयारी करो, कल सरकार नात आने वाला है, तुम्हारी जान
खतरे में है। क्यों दीवान जी, कैसे हो? कथा है हुजूर की। क्यों ठाकुर सिंह, कामकाज कैसे चल रहा है? सब ठीक है राजा साहब। हमारी गैर हाजिरी में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? जी नहीं, भला मेरे रहते गड़बड़ हो सकती है? हाँ, एक हादसा जरूर हुआ है। हादसा? जी नहीं, वो कुमार फिर से गांव में आधम का था, मैंने उसे ठिकाने लगा दिया। ठिकाने लगा दिए कुमार को? मैंने आपके क्या बिगाड़ा जो हम मुझे परेशान कर रहे हैं? रुक जा। आप मुझे क्या चाहते? जन सवालों का जवाब। जी। तुम मुझसे इतना डरते क्यों? इसलिए कि आप मर चुके हैं। ये तुम क्या कह रहे हो बंसी? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। राजा सरकारनाथ ने आपको मार डाला था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। बंसी जी, मैं सब कुछ साफ साफ जानना चाहता हूँ। जी बताता हूँ, बताता हूँ। जिस रात को आप राजा साहब से मिलने के लिए जा रहे थे, उस रात हम दोनों एक साथ घर से निकले थे। नदियां पार करके आप महल की तरफ गए और मैं गांव की तरफ चल पड़ा। फिर यही गाड़ दो। जो कुछ हुआ वो मैंने आपको बता दिया, और ये है आपकी कब्र। तो ये है मेरी कब्र। खुशखबरी सुनाने आया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। लेकिन मैं जरूर सुनाऊंगा। मैं रियास प्रतापगढ़ के राजकुमार को देखने गया था। तुम्हारी बेटी सपना की शादी उससे कर देना चाहता हूं। वो बहुत ही बड़ी रियासत का मालिक है। तुम्हारी बेटी हीरो में खेलेगी, हीरो में। मेरी बेटी दूल्हा बनेगी, उसके हाथों में मेहंदी लगेगी, उसे लेने के लिए बारात आएगी। हाँ, अब ये महल तुम्हारी चीखों की बजाय शहनाइयों से गूंज उठेगा। क्या तुम मुझे खुशी से पागल कर देना चाहते हो? मेरी बेटी का दुल्हा देखने में कैसा है? बहुत खूबसूरत। इस खबर ने मेरे सारे दुख भुला दिए। तो एक खुशखबरी और भी सुन। जिस राजकुमार से तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है, वो सिर्फ पागल दीवाना है। बंसी, तुम चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, वहां चल के बयान दे। कुमार ने बंसी का खून कर दिया।
नहीं सरकार, जरूर कोई बात है। बंसी की बातों से हमारा क्या बिगड़ता है? जी बहुत कुछ बिगड़ जाता है। कुमार के कत्ल के बारे में बंसी को बहुत सी बातें मालूम थी और बंसी का मुंह बंद करने के लिए मुझे उसका खून करना पड़ा। दिवानसी, ये हमाकत करके तुमने पुलिस को छेड़ दिया। घबराइए नहीं, बंसी के खून के इल्जाम में पुलिस कुमार को तलाश कर रही है। कुमार, 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 ये क्या पागलपन है? कुमार को हमने अपनी आंखों के सामने दफन किया, उसकी लाश वहीं हो। चलो हम दिखाते हैं। आओ, खोदो खोदो इस कब्र को और एक बार फिर अपनी आंखों से देख लो, जिसकी मिट्टी मिट्टी में मिल चुकी हो वो कभी वापस नहीं लौट सकता। खोदो। यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या कहा? हाँ, वहाँ क्या देख रहे हैं राजा साहब? मैं वहाँ नहीं, यहाँ हूँ और अपने वादे के मुताबिक अपनी मोहब्बत का सबूत लेकर आया हूँ। भागना फजूल है राजा साहब, अपनी किस्मत से कोई नहीं भाग सकता। हाथ रोक लीजिए राजा साहब, मेरी मौत आपको एक बार मार दे चुकी है, आप मुझे दोबारा नहीं मार सकते। जो कुछ भी हो बता दीजिए, मैं आपके बहुत काम आ सकता हूं, आपकी बहुत मदद कर सकता हूं। बेटा, बेटा, कुमार को। कुमार को क्या हुआ? कुछ अरसा पहले कुमार को खत्म कर देने के बाद जमीन में गाड़ दिया गया था और ये सब कुछ आपने किया? नहीं नहीं, राजा साहब ने। तो फिर बंसी का खून क्यों हुआ? ये राज बंसी को मालूम हो गया था। इसका मतलब है कि राजा साहब ने एक खून से बचने के लिए दूसरा खून किया। नहीं। क्यों नहीं? अब सपना से मेरी शादी हो सकती है और अगर राजा साहब ने इनकार किया तो कुमार के कत्ल के जुर्म में पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा कसम न करो बेटा। आप तो खामोखा डरते हैं पिताजी, अब राजा साहब हमारी मुट्ठी में है, अगर हम चाहें तो उनका महल हमारा घर बन सकता है और उनकी बेटी सपना आपकी बहू। नमस्ते राजा साहब। क्या बात? आपकी खिदमत में एक अर्ज लेकर आया हूं। क्या कहना चाहते हो? सिर्फ इतना कि आप सपना की शादी मेरे साथ कर दीजिए। क्या पकते हो? तुमने अपनी औकात देखी है? जरा सोच समझ कर बात कीजिए राजा साहब, वरना कुमार के कत्ल के जुर्म में पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। कौन कहता है कि कुमार का कत्ल हुआ है? उसकी लाश जो आपको कब्र में नहीं मिली और मेरे पास मौजूद है। सौदा बुरा नहीं है राजा साहब, क्या ख्याल है? हम सपना से तुम्हारी शादी तो कर दें, मगर उस नए कुमार का क्या होगा? वो तो भाग गया, पुलिस उसकी तलाश में। वो गांव छोड़कर भागने वाला नहीं? लेकिन वो इस गांव में कहां छिप सकता है? हमारा ख्याल है कि पुरानी खताने उसे पनाह दे सकती और उसके हर मोड़ से तुम वाकिफ हो। मैं आपका मतलब समझ गया, आप शादी का इंतजाम कीजिए
मैं कुमार को ठिकाने लगाता हूं। बिल्ला स्वर्ग में ले जाओ भाई। स्वर्ग में जाना चाहते हो तो हमारे सवालों का जवाब दो। आप यमराज हैं? मैं सरकारनाथ हूं। ओ, यमराज से भी बड़ा। बताओ ये कुमार कौन है और यहाँ क्यों आया? ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ, यहाँ क्यों आया है? चालाकी मत करो वरना खत्म कर दिए जाओगे। ये धमकी आपने पहले क्यों नहीं दी? मैं पहले ही बता देता। आप बताता हूँ। शाबाश, बताओगे का इनाम? थैंक यू। देखिए ये जो कुमार है ना, ये पहले अफ्रीका में था, अब समझिए कि ये अफ्रीका है और वो ऊपर हिंदुस्तान है। यानी कि सोचो आगे बोलो। आगे ये कि कुमार ने यहाँ से वहां का ख्वाब देखा और ख्वाब में एक लड़की देखी, वो लड़की आपकी बेटी थी। यानी कि सोचो आगे सोचो। आगे ये सोचा कि कुमार ने अफ्रीका से हिंदुस्तान जाने का फैसला कर लिया और वो यहाँ से यहाँ तक हवाई जहाज में गया और फिर वहां से वहां तक वो रेलगाड़ी में गया। बस आगे रास्ता साफ है। Yeah!
आप? घबराओ मत कुमार, अब वक्त आ गया राजा सरकार नाथ के तमाम राज खोल दिए जा सकते। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? मैं बताता हूँ। मुझे बड़ी फिक्र हो रही है राजा साहब, ठाकुर सिंह अभी तक क्यों नहीं आया? वो नए कुमार को खत्म करके ही आएगा। राजा साहब, ठाकुर सिंह कुमार को खत्म करने के बजाय खुद खत्म हो गया है। डर गए? बताइए, आपने कुमार की लाश कहाँ छुपा रखी है? हम किसी कुमार को नहीं जानते। लेकिन कुमार आपको अच्छी तरह जानता है, आप उसके कातिल हैं। और वो ये भी जानता है कि कुमार के कत्ल को छुपाने के लिए आपने बंसी का खून किया है। ये झूठ है, तोहमत है, ये सच है, ये हकीकत है। जब पुलिस का हाथ आपके गर्दन पर होगा तब आपकी होश ठिकाने आ जाएगी। दीवान जी, आप तो राजा साहब के वफादार है ना, बताइए लाश कहाँ रखी है, वरना ये गोली आपके सीने के पार हो। हमें धमकियां देने आए थे, सरकार नाथ का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। भी हो से बाहर से डाल दो। अच्छी बात। संभाल सकते हैं आप? मुझे राजा साहब से बहुत जरूरी काम, लेकिन वो इस वक्त नहीं मिल सकते, फिर कभी आ गया। नहीं, आज वो कोई मुक्ति से मेरे पास आए, आज मैं उनसे मिलने। कौन हो तुम? मैंने सुना जी कि आप महल बंद करके होटल खोलना चाहते हैं। क्या भगते हो? ले जाओ उसे। मेरा मतलब है जी, कहना मैं भड़बड़ होटलों का मैनेजर रह चुका हूँ, लेकिन आप मेरी बात को सुनिए हुजूर। मैं आपको जमीन से आसमान पर बात दूंगा, लेकिन आपने नकली गोली। बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ गई, अब तुम इस कमरे के बाहर कभी ना जा सको। अब यह कमरा मेरी इजाजत के बगैर कभी नहीं खुलेगा। नहीं, नहीं पिताजी, पिताजी, दरवाजा खोलिए, पिताजी खोलिए, खोलिए ना, खोलिए दरवाजा पिताजी, खोलिए, खोलिए ना, दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा पिताजी। मैं तुम्हारा बदला तुम्हारी बेटी से लूंगा, 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 सब कुछ बदला दूंगा।
सबको जला दूंगा, दुनिया को जला दूंगा, दुनिया को जला दूंगा। मेरे पति का खून किया, मेरी बेटी सपना को मुझसे छीन लिया और बरसों तक मुझे महल के तहखाने में कैद रखा। इंस्पेक्टर साहब, आप इत्मीनान रखिए, राजा साहब को उनकी करतूतों की सजा जरूर मिलेगी। फिर भी उसके जुर्म खत्म नहीं हुए, उसने सपना को तकलीफ देने के लिए कुमार का भी खून किया। कुमार का खून नहीं हुआ, असल हकीकत कुछ और। ये मैं बताता हूँ, कत्ल की रात मैं और कुमार का जुड़वा भाई सुनील, जो अफ्रीका से आया था, कुमार से मिलने के लिए वीरान नगर आए। यहां पहुंचकर हमें मालूम हुआ कि सपना की वजह से राजा साहब ने कुमार को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है और वह जख्मी हालत में नदिया पार वाले गांव की किसी कुटिया में पड़ा हुआ है। हम उसे देखने के लिए जा रहे थे। जी, तो अपना कुमार है। सुनील जाओ, तुम उन गुंडों का पीछा करो, जाओ जल्दी। इसे यही गाड़ दो। और हमने राजा साहब के कहने पर उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया था। जंगल में गुंडों का पीछा करते करते सुनील मुझसे बिछड़ गया था, और कुछ देर के बाद जब कुमार को होश आया तो मुझे मालूम हुआ कि वो अपनी याददाश्त खो चुका था। उसे ये भी नहीं मालूम था कि उसका नाम कुमार है। इन हालात को देखकर हमने फैसला किया कि वीरान नगर के खतरनाक माहौल से निकालकर कुमार को अफ्रीका पहुंचा, और उसे अफ्रीका पहुंचाकर मैं चुपचाप सुनील की तलाश करता रहा। कुछ दिनों के बाद मुझे मालूम हुआ कि लापता सुनील का कत्ल हो चुका है और उसके कातिल राजा साहब भी हो सकते हैं। लेकिन कोई ठीक सबूत न होने की बिना पर कानून राजा साहब जैसी हस्ती पर हाथ न डाल सका। कुमार, राजा साहब पागल हो गए, उन्होंने सारे महल में आग लगा दी। सपना दीदी अपने कमरे में बंद है, उनकी जिंदगी खतरे में है। खतरे में? मेरी बेटी। Thank you.
आदमी ने कैद कर रखा था। मेरी बेटी माँ।